तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की क्या होगी चुनावी रणनीति? क्या बीजेपी मुख्यमंत्री पद के लिए किसी चेहरे पर दाव लगाएगी? बंगाल चुनाव पर आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से खास बात की। बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। नितिन जी, आप पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर जा रहे हैं, चुनाव शुरू हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले ही इतने बयानबाजी हो चुकी है कि लोग सोच रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का चुनाव जो अभी तक नहीं हुआ था वो वैसा हो गया है। ये जुबानी जंग ज्यादा हो गई सियासत से ज्यादा? देखिए, चुनाव जब होता है तो अलग अलग पार्टी अलग अलग प्रकार की बातें होती रहती है। एक बात जरूर है कि हर चुनाव में ही होता है, केवल ये चुनाव में हो रहा है ऐसी बात नहीं है। और अब चुनाव में हर पार्टी को अपनी बात रखने का अधिकार है, चर्चाएं तो होगी। आपकी पार्टी कह रही है कि हम 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, 298 में से। देखिए, 3 MLA से 200 पार कर जाएंगे। देखिए, एक बात तो ये निश्चित है कि बंगाल की जनता ने लेफ्ट पार्टी की सरकार का भी अनुभव किया है, कांग्रेस पार्टी की सरकार का भी अनुभव किया है। दोनों को बदलकर उन्होंने ममता जी को मौका दिया है। अब ममता जी की भी सरकार उन्होंने देखी है। अब लोग बदलाव के भूमिका में है और निश्चित रूप से ये बदलाव अगर होगा तो बीजेपी यही विकल्प है। और इसलिए निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और हमें मेजोरिटी मिलेगी। ममता बनर्जी कह रही है कि बीजेपी को संस्कार नहीं मालूम, बंगाल के परंपराएं नहीं मालूम, संस्कृति नहीं मालूम है, ये बाहरी लोग हैं, ये बंगाल में आ रहे हैं बाहर से। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारे जनसंघ के संस्थापक थे वही तो बंगाल के थे। जनसंघ की स्थापना करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस बंगाल में आए और जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की, तो बंगाली संस्कृति इतिहास उन्होंने हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। ममता बनर्जी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने एक भाषण दिया था, उन्होंने कहा था कि ये दंगाई है, अमित शाह दंगाई है, ये लोग दंगा करा के चुनाव जीतना चाहते हैं। देखिए, ये सब बातें जो है वो गलत है। हम लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने केंद्र में जो कुछ काम किया है, जो 50-60 साल में नहीं हुआ, वो काम करके दिखाया है। और हम बंगाल का विकास करना चाहते हैं, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना चाहते हैं। और इस बार बंगाल की जनता बदलाव के मूड में है और निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में विकास काम देश में हुए हैं, उसके आधार पर बंगाल को भी विकास का डबल इंजन लग जाए, इसके लिए जनता हमें साथ दे रही है। हम जीतेंगे और बंगाल की तस्वीर, बंगाल का विकास करके दिखाएंगे। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि आप जीतेंगे कैसे, आपकी तो वहाँ जमीन ही नहीं है, जो आपके नेता हैं वहाँ पे वो सब दूसरी पार्टी से हायर हैं, आप वहाँ पे जो है उधार के लोगों पर चुनाव जीतना चाहते हैं। तृणमूल कांग्रेस की स्थापना जब ममता जी ने की तो वो नेता कहाँ से आए थे? तृणमूल कांग्रेस भी कांग्रेस से निकली है, ममता जी भी निकली थी। लोकतंत्र में ध्रुवीकरण होते रहता है, लोग पक्षी पार्टियां बदलते रहते हैं, और इसलिए आने वाले समय में ममता जी के बारे में मोहभंग हुआ है और इसलिए लोग अब बीजेपी का आधार ढूंढ रहे हैं। गलत क्या है? लेकिन वो ये कह रही हैं कि उनके और उनके भतीजे पे गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके भतीजे की पत्नी पे गलत आरोप लगा रहे हैं, CBI ED को, इनकम टैक्स को पॉलिटिकल टूल की तरह बीजेपी और केंद्र सरकार यूज कर रही है। देखिए, बीजेपी CBI ED किसी का उपयोग नहीं करती, ये आरोप पूरी तरह से गलत है। और एक बात जरूर है कि बीजेपी का जनसमर्थन बढ़ने के कारण ममता जी काफ़ी अस्वस्थ हुई है और अस्वस्थता के कारण इस प्रकार के बयान कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। सर, एक सवाल है, बीजेपी की बारात निकल रही है, क्योंकि बारात है, आप इस तरीके के जुमले ऑनलाइनर बड़ा यूज करते हैं, अभी तक बीजेपी ने डिसाइड नहीं किया कि बारात में दूल्हा कौन होगा, कौन मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होगा। अभी ममता बनर्जी वहाँ है, आपके पास में कोई चेहरा नहीं है, प्रधानमंत्री तो वहाँ मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, अमित शाह नहीं बनेंगे, जेपी नड्डा नहीं बनने वाले, नितिन गडकरी नहीं बनेंगे, तो मुख्यमंत्री कौन होगा? जनता वो कह रही है कि बता दें कौन है वहाँ। हमारे पास दूल्हे ही दूल्हे हैं, जिस दिन शादी का मुहूर्त होगा चुनाव के बाद, उस दिन उस दूल्हे को हम खड़ा कर देंगे। तैयार है? बिल्कुल तैयार है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऑलरेडी बताया गया है कि बंगाल का ही व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। कौन होगा? दिलीप घोष होंगे, मुकुल रॉय होंगे, या जो है इसका निर्णय उचित समय पे स्वपन दास गुप्ता, पार्टी अपना डिक्लेरेशन करेगी। लेकिन इतना तय है कि आप 200 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं।
हम पूरी मेजोरिटी से चुनाव जीतेंगे, ऐसा मैं विश्वास। सर एक सवाल है, उड़ीसा में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो विधानसभा चुनाव साथ में हुए थे, बीजेपी ने वहां 0 से 8 सीटें जीती लोकसभा की, लेकिन जब विधानसभा में एक ही साथ पोल हुआ तो बीजेपी को वो नंबर्स नहीं मिले जो लोकसभा में मिले। तो क्योंकि स्टेट का इश्यूज डिफरेंट है, तो ऐसा तो नहीं कि लोकसभा में 18 सीटें बीजेपी ने वहां पे जीत ली थी, इस बार विधानसभा चुनाव है और विधानसभा में वो हो जो दिल्ली में हुआ था, सातों लोकसभा जीते और 8 विधानसभा सीटें जीत गए। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार बंगाल में जो सरकार है उसके प्रति लोगों के मन में नाराजगी है, वो बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं और विकल्प के रूप में बीजेपी के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, और इसलिए जनता हमें चुनकर देगी। जैसे लोकसभा में हमको शानदार जीत मिली थी, उससे भी अच्छी जीत मिलेगी,